कश्मीर के कोने कोने से लोग आए, उन्होंने ये स्लीपिंग बैग्स, ब्लैंकेट्स जो हज़ारों की तादाद में यहाँ पर पहुँचाया। विद इन वन डे एक ट्रक से डेढ़ ट्रक जमा हो गया। कि कश्मीरी कौम जो है, मैं पूरी दुनिया को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि कश्मीरी कौम को आप समझिए, ये दिल के बहुत अच्छे हैं। जहाँ पर भी ज़रूरत पड़ेगी ना, पूरी दुनिया को कश्मीरी कौम सबसे आगे होगा। चाहे वो कोई भी हो, मुस्लिम हो, सिख हो, हिंदू हो, ईसाई हो, मदद करने के लिए हमेशा जो है कश्मीरी आगे रहे आएगा। और मैं अपने जो है पूरी दुनिया को या जो भी बाहर देख रहे हैं उनसे भी मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ, आप कश्मीर को ना दिल से एक बार दिल से उनको आप जानने की कोशिश करें, फिर आप देखिए कश्मीरी कौम कितनी अच्छी कौम है। जी जी, तो ज़्यादातर हम जो है स्लीपिंग बैग्स और ब्लैंकेट्स, जैसे वहाँ से मेल आया था कि उनको जो है ब्लैंकेट्स और जो है स्लीपिंग बैग्स की ज़्यादा ज़रूरत है। हेल्पिंग हैंड्स फाउंडेशन एक इदारा चलाते हैं। पहले तो जब ये अर्थक्वेक आया था तो हमने देखा, ऑफिशियल लेटर एक हमने देखी टर्किश एम्बेसी की, तो हमने उनको कांटेक्ट किया कि आपको क्या क्या चीज़ की ज़रूरत है। और मुझे अपने जम्मू कश्मीर के लोगों पे पूरा भरोसा था कि जैसे ही मैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से ये सारा लिस्ट डालूंगा तो वहाँ से आ जाएगा, सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो वैसे ही हुआ, मैंने एक हफ्ता बोला था, बट अल्हम्दुलिल्लाह एक दिन में ही जमा हो गया। हमने देखा कि हमारा एक मेंबर जो अभी दिल्ली में ही है, उन्होंने टर्किश एम्बेसी पे वो गए थे, वहाँ पर भी उन्होंने मुझे बोला कि यहाँ पर हर कोई आ रहा है, सिख, हिंदू, वो भी अपनी तरफ से उनको लग रहा है कि नहीं, इंसानियत को भी ज़रूरत है, वो भी डोनेट कर रहे हैं वहाँ पर। तो हमने ये सोचा कि देखिए, हमारे हिंदू भाई, सिख भाई कर रहे, तो हमें कश्मीरियों को भी कुछ करना चाहिए और इंसानियत के लिए हमेशा आगे रहना चाहिए। वहाँ पर मज़हब, कलर, कास्ट, ग्रीड, ये सारी चीज़ें न देख के एज इंसानियत के लिए अगर हम हमेशा खड़े रहे तो मुझे लगता है कि ये बेहतरीन चीज़ें, एक दुनिया सुधर जाएगी। और ये दुनिया हम समझते हैं कि एक घर है, एक होम है, और हम सारे दुनिया में जितने भी लोग रहते हैं हम इसके मेंबर्स हैं। देखिए, आपने खुद देखा कि लोगों की कितना रश है, हमारा कोई इनकम सोर्स नहीं है, लाइक हमारा कोई जो है, हम गाड़ी लेके नहीं निकलते, रिसेप्ट बुक लेके नहीं निकलते हम, और हम अल्हम्दुलिल्लाह हम हमेशा जो है ग्राउंड पे एक्टिव रहते हैं, मैसमराइज जैसे हम करते हैं, या हमारे जो 50 स्टूडेंट्स हम अभी उनको जो एजुकेशन दे रहे हैं, तो सारा जो है सारा का सारा सोशल मीडिया के थ्रू आता है। हमारे पास कोई इनकम सोर्स नहीं है, ना हमारे पास कोई केमिस्ट शॉप है, ना कुछ है, ना कोई इनकम सोर्स है। जो मैं सोशल मीडिया पर डालता हूँ तो लोग डोनेट करते हैं। और
जी मेरा नाम उमर वानी है, थैंक यू। जी मेरा नाम साहिल वानी है, मैं वी द हेल्पिंग हैंड्स फाउंडेशन का मेंबर हूँ सिंस 2013। ये हमारी एक एनजीओ थी जो 2013 में स्टार्ट हुई थी फॉर द वेलफेयर ऑफ आवर सोसाइटी। जो आपने देखा होगा अर्थ को एक आया है टर्की में, हम उसके लिए ये रिलीफ इकट्ठा कर रहे हैं जो कि कल यहाँ से कश्मीर से निकलेगा टू एम्बेसी, टर्किश एम्बेसी, और टर्किश एम्बेसी ये जाएगा टू टर्की। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा, जितना हमने सोचा था उससे ज़्यादा कहीं अच्छा रहा रिस्पॉन्स।